हे गाइस, पिछले सीन में आपने देखा था कि लिनवो अपने साथी को कहता है कि वो चियान को नहीं मार पाया क्योंकि कोई शक्ति उसे बचा रही है। तो उसका साथी उससे कहता है कि क्या तुमने कभी कैट सील के बारे में सुना है। वहीं अब हम किन को देखते हैं, जिसे पुलिस डॉग शो में इनवाइट किया गया था। वहीं पर जू भी आया था, तो किन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जू कहता है, मैं तो यहाँ रिटायरमेंट सेरेमनी देखने आया था। अब वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं, तो जू किन के साथ डिनर करने के लिए पूछता है, तो किन मान जाती है। अब शाम को वो दोनों डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर जू का हाथ जल जाता है, तो किन उसके हाथ पर आइस बैग लगाती है। वही जू तो उसे ऐसा देखकर काफी खुश हो रहा था। वही इधर चियान कैटगर्ल को चिढ़ा रहा था कि तुम पेड़ पर चढ़ जाती हो और वहाँ से उछल भी सकती हो और यहाँ तक कि किसी को भी अपनी स्मेल से पहचान सकती हो, लेकिन फिर भी वो तो तुम एक छोटी सी कैट ही। तो कैटगर्ल सोच में पड़ जाती है कि क्या भाई ये मेरी तारीफ थी या बेइज्जती। तो चियान उसके पास आता है और उसे किस कर लेता है, तो कैटगर्ल काफी खुश हो जाती है। वही इधर किन और जू बातों ही बातों में काफी सारे ड्रिंक्स कर लेते हैं, जिससे उन्हें काफी नशा हो जाता है और वो दोनों काफी उठपटांग बातें करते हैं। तो फिर उस रेस्टोरेंट की एक एम्प्लॉई आती है, जो कहती है कि अब काफी रात हो चुकी है, इसलिए रेस्टोरेंट अब बंद होने वाला है। तो जो किन से कहता है कि चलो हम कहीं और चलते हैं, तो किन भी नशे में कहती है ठीक है चलो। अब जब सुबह किन नींद में उठती है तो उसके बगल में जू भी सोया था। तभी किन को रियलाइज होता है ये उसका घर नहीं है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो जू को देखकर चिल्ला उठती है, तो जू भी उसे ऐसा देख काफी शर्मा जाता है। अब जू उससे बात करने जाता है, लेकिन किन वहाँ से चली जाती है। अब जू चियान के घर आता है और उससे कल के बारे में बताता है कि कल नशे में किन ने मुझे किस किया था और मैंने भी उसकी कमर पर हाथ रखा था। अब उसकी बातें सुन कैटगर्ल स्माइल करते हुए चियान की तरफ देखती है और जू की बातों में हाँ मिलाती है। तो चियान जियो को पकड़कर कमरे में ले जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, तो तुम यही रुको। फिर वो वापस जू के पास आता है और उससे कहता है कि जो भी हुआ उसके लिए तुम्हें किन से सॉरी कहना चाहिए। तो जू भी वैसा ही करता है, वो किन से सॉरी कहने जाता है, लेकिन किन उससे बात ही नहीं करती क्योंकि उन दोनों के बीच जो हुआ उससे किन काफी एम्बेरस फील कर रही थी। फिर जू उसके ऑफिस के बाहर आता है और पेपर के थ्रू उससे कहता है कि कल जो हुआ उसके लिए वो गिल्टी फील ना करे, और वो उससे माफी मांगते हुए लिखता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हें हमेशा पसंद करता रहूंगा। फिर जू वहां से चला जाता है। अब थोड़ी देर में किन बाहर भागते हुए आती है और अपनी बाइक से जू का पीछा करने लगती है, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि जू सच में उसे बहुत प्यार करता है। वो जू के कार के सामने अपनी बाइक लगाती है और उसे रोड के बीच में ही किस कर लेती है और कहती है कि जू मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। ये सुन जू काफी खुश होता है और अगेन उसे किस कर लेता है। वही दर्चियान कैटगर्ल को एक बाइक गिफ्ट करता है, जिससे जियो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर चियान उसे बाइक चलाना सिखाता है। अब रात में वो दोनों समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं, जहाँ बात करते हुए जियो चियान को किस कर लेती है। तो चियान भी थोड़ा रोमांटिक होते हुए उसे किस करने लगता है। अब हम एक पोर्टल को देखते हैं, जिसमें से एक आदमी बाहर आता है। तब वो आदमी अंकल फू को देखता है। जब वो आदमी फू के पास आता है तो अंकल फू उससे कहते हैं कि मैं हूँ मैसेंजर नंबर 257 और तुम आज के आखिरी विजिटर हो। फिर वो उसका नाम पूछता है। वो आदमी कहता है, मेरा नाम हैप्पी है और मैं अपनी बेटी म्याओ म्याओ को ढूंढने आया हूँ। तो अंकल फू कहते हैं, कहे तुम जियो को तो नहीं ढूंढ रहे। तो हैप्पी कहता है, हाँ मुझे उसके पास ले चलो। वही इधर कैटगर्ल अपने बाल बना रही थी, तभी उसका डैड उसे विंडो से बुलाते हैं, जिसे देख कैटगर्ल काफी सरप्राइज होती है। वो अपने डैड से सारी बात बताती है कि आखिर कैसे वो यहाँ पर फंस गई और बिना चियान की विश मांगे वो यहाँ से म्याओ प्लेनेट नहीं जा सकती। तभी चियान जियो को आवाज देता है, तो जियो जैसे ही विंडो से आती है तो उसके पीछे उसके डैड भी आते हैं, जिसे देख चियान डर जाता है कि भाई ये कौन है। तो कैटगर्ल कहती है, ये मेरे डैड हैं। तब उसके डैड चियान को धमकाते हैं कि जल्दी से अपनी विश मांगो ताकि मेरी बेटी अपने प्लेनेट वापस जा सके। तो कैटगर्ल कहती है, मैंने आपको बताया था ना कि चियान की कोई भी विश नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है फिर तुम यहाँ से मेरे साथ चलो। तो जियो चियान को पकड़ते हुए कहती है कि मैं यहाँ ऑलरेडी सेटल हूँ। तो उसका डैड कहते हैं कि ये घर अच्छा है लेकिन छोटा है, वैसे यहाँ कितने कमरे हैं। तो चियान कहता है, एक। अब हम रात में देखते हैं कि जियो के डैड जमीन पर सो रहे थे, तो चियान धीरे से आकर बेड पर सो जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसके डैड बेड पर होते हैं और चियान जमीन पर होता है। अब जब जियो के डैड सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि जियो और चियान एक साथ सो रहे थे, तो वो उन दोनों पर गुस्सा होने लगते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। वो जियो से पूछते हैं कि कहीं ये तुम्हारे साथ छेड़खानी तो नहीं कर रहा था। तो कैटगर्ल कहती है, नहीं वो तो मैं कर रही थी। अब ये सुन उसके डैड उसे डांटते हैं कि भाई तू मेरी बेटी है या किसी और की, और चियान को धमकाते हैं कि तू उसके पास भी मत भटकना। तो चियान कहता है, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ। अब ब्रेकफास्ट के टाइम जियो के डैड फिर से चियान से कहते हैं कि तुम अपनी विश मांग कर मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो। तो चियान कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन आप कह ही रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि जियो हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहे। ये सुन उसके डैड चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो कैटगर्ल मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, पप्पा ये क्या कह रहे हैं आप। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं,
जानजियो के डैड उन दोनों को साथ देखकर चियान से काफी ज्यादा चिढ़ते हैं कि भाई कहीं ये मेरी बेटी को फंसा तो नहीं रहा। तो वो चियान को धमकाते हैं कि अगर अपनी विश मांग कर मेरी बेटी को आजाद नहीं किया तो मैं तेरे बुक स्टोर को जला दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर कैटगर्ल आती है और पानी डालकर आग बुझा देती है। अब ऐसे ही जब भी उसके डैड चियान को धमकाते थे तो कैटगर्ल बीच में आ जाती थी। अब एक दिन मौका पाकर उसके डैड चियान को किडनैप कर लेते हैं और चेयर से बांध कर सीढ़ियों के किनारे ले आते हैं और उसे धमकी देते हैं, बता भाई तेरी विश क्या है वरना मैं यहाँ से तुझे नीचे फेंक दूंगा। तो घबराते हुए चियान कहता है कि मेरी कोई विश नहीं है। तो जियो के डैड कहते हैं मुझे सब पता है, तुम इंसान कितने लालची होते हो। तो चियान कहता है मेरी सिर्फ एक ही विश है कि जियो हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहे। तो चिल्लाते हुए जियो के डैड कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर कैटगर्ल आ जाती है जो देख काफी गुस्सा होने लगती है और चियान के लिए अपने डैड से ही लड़ने लगती है कि चियान एक अच्छा इंसान है और मैं उसे पसंद करती हूँ, और अपने डैड से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तो चियान भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे आता है। तो उसके डैड को भी रियलाइज होने लगता है कि वो दोनों सच में एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। वहीं अब शाम को जब चियान जियो को घर लाता है तो वो देखता है कि वो चाबी घर पर ही भूल गया था और जियो का डैड भी अंकल फो से मिलने बाहर गए थे। तो कैटगर्ल कहती है अब मेरा कमाल देखो। वो चियान की शर्ट के अंदर खुद को एक कैट में बदल लेती है और घर के अंदर चली जाती है। अब वहीं पर एक ब्लैक कैट यानी लिनो होता है जो ये सब देख लेता है और अब उसे पता चल गया था कि जियो भी एक कैट है यानी वो भी नौ प्लैनेट से है। वहीं इधर हम जू को देखते हैं जो किन के घर आया था। तो किन उसके लिए सूप बना कर लाती है। तो जू सूप पीते हुए किन से कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिली। तभी किन एक टीवी शो देख रही थी जिस पर शादी की बातें चल रही थी। अब शादी की बात सुनते ही जू की तबीयत खराब होने लगती है और वो वॉशरूम की ओर भागता है। तो किन सूप चेक करने लगती है कि कहीं उसने सूप गलत तो नहीं बना दिया। फिर वो जू को देखने जाती है। दरअसल दोस्तों जू को शादी के नाम से ही वॉमिट आने लगती है और ऐसा क्यों होता है ये कहानी में आगे पता चलेगा। अब हम लिनो को देखते हैं जिसने जियो के डैड को मिलने के लिए बुलाया था। तो जियो को डैड उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और मेरी बड़ी बेटी के बारे में कैसे जानते हो। तो लिनो कहता है मैं आपकी बड़ी बेटी से प्यार करता था और हम दोनों अर्थ पर ही मिले थे, और क्या आप जानते हैं कि उसे एक इंसान ने मारा था और वो कोई और नहीं बल्कि चियान है। तो जियो के डैड लिनो से कहते हैं कि चियान एक अच्छा इंसान है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, जरूर तुमसे कुछ गलती हुई है। तो जियो के डैड से नाराज हो जाता है कि वो भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे और वहाँ से चला जाता है। अब वहीं हम जियो को देखते हैं जिसे एक ब्लैक कैट दिखती है। जब वो उसका पीछा करती है तो वो कोई और नहीं बल्कि लिनो होता है। तो जियो काफी सरप्राइज होती है कि लिनो भी उसकी तरह एक मैव प्लैनेट से है। तो कैट गर्ल लिनो से पूछती है कि इतने टाइम से तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम भी एक कैट हो। फिर उससे पूछती है कि तुम्हारी तो स्मेल भी नहीं आ रही। तो लिनो उसे कहता है कि वो इंसान बने रहने के लिए मेडिसिन लेता है इसलिए उसकी स्मेल गायब हो गई है। इसके बाद वो जियो से सॉरी कहता है कि उसने पहले चियान को एक गलत इंसान समझ लिया था। फिर वो जियो से कहता है कि क्या तुमने कैट सील के बारे में सुना है। तो जियो कहती है नहीं। तो लिनो उसे बताता है कि कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी कैट से प्यार करता है तो उस इंसान को एक कैट सील मिल जाती है, और अगर वो कैट उस कैट सील को हटा दे तो वो इंसान बन के हमेशा के लिए उस इंसान के साथ रहेगी जिसे वो पसंद करती है। ये सुन जियो काफी खुश होती है कि अगर उसे कैट सील मिल गई तो वो हमेशा के लिए इंसान बन के चियान के साथ रहेगी। वहीं इधर हम जू को देखते हैं जो किन के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे एक राज छुपाया था कि मुझे एक वर्ड से फोबिया है। तो किन कहती है किस वर्ड से। तो वो उसे एक नोट दिखाता है जिस पर लिखा था मैरिज यानी शादी। तो किन जब मैरिज वर्ड को पढ़ती है तो जू को फिर से वॉमिट होने लगती है। फिर जू किन को बताता है कि बचपन में उसके डैड और उसकी मॉम हमेशा लड़ाई करते थे इसलिए एक दिन उसकी मॉम ने डिवोर्स ले लिया और तब से उसे शादी के नाम से ही उसकी हालत खराब हो जाती है। तो किन जू से कहती है कि अच्छा किया जो सच बता दिया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। वहीं अब शाम को कैटगर्ल और चियान ड्रिंक्स करके कुछ रोमांटिक बुक्स पढ़ रहे थे। तभी चियान को उसके ग्रैंडपा की फेवरेट बुक में से एक बुकमार्क मिलता है। तो जियो को वो बुकमार्क काफी पसंद आता है तो चियान उसे बुकमार्क दे देता है और उसके करीब आता हुआ उसे किस कर लेता है। तभी वो बुकमार्क साइन करने लगता है यानी कि ये एक कैट सील है जिसने अभी तक चियान को प्रोटेक्ट किया था। वहीं कैट बनकर लिनो ये सब देख रहा था। क्या बेशरम बिल्ला है भैया। अब रात होते ही लिनो चुपके से चियान के घर में घुस जाता है जहाँ वो सबसे पहले जियो के पास आता है और उसका मुंह बंद करते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी बहन का कातिल चियान है और इसलिए मैं उसे आज मारने वाला हूँ। फिर वो जियो को चेयर से बांध कर चियान के कमरे में जाता है, लेकिन कैटगर्ल किसी तरह एक कांच के सामान को गिरा देती है जिससे चियान की आंख खुल जाती है। लेकिन फिर भी लिनो उस पर चाकू से वार करता है। तो चियान अपना बचाव करते हुए उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो लिनो कहता है कि तुमने हाई स्कूल में एक व्हाइट कैट को मारा था, वो जियो की बहन
बहन थी और मेरी प्रेमिका भी। ये कहते हुए वो उसे चाकू मार देता है। तभी रस्सी छुड़ा कर जियो वहाँ आ जाती है, जो चिल्लाते हुए लेनो को वहाँ से भगा देती है। लेकिन जियान को काफी चोट आई थी। तभी वहाँ पर उसका डैड और अंकल फू आते हैं, जहाँ कैटगर्ल काफी ज्यादा रो रही थी। तब वो उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। वहीं अगले दिन लेनो रास्ते में जा रहा था, तभी जियो के डैड और अंकल फू उसे पकड़ लेते हैं, जहाँ वो दोनों उसे बताते हैं कि चियान के ग्रैंडपा एक अच्छे इंसान थे और चियान भी उन्हीं की तरह है। वो स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाता है और सबसे जरूरी कि वो जियो से प्यार करता है, तो आखिर वो उसकी बहन को क्यों मारेगा। इसके बाद वो दोनों लेनो को हॉस्पिटल लाते हैं, जहाँ जियो उसे देखते ही उसे मारने लगती है। लेकिन चियान उसे ऐसा करने से मना करता है। लेनो चियान के पास आता है और उसे मारने के लिए उससे माफी मांगता है कि मुझे स्कूल से पता चला कि तुमने एक व्हाइट कैट को मारा था, इसलिए मैं तुम्हें जियो की बहन का कातिल समझ बैठा। तो चियान उसे बताता है कि स्कूल में लोगों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था, जबकि असली कातिल तो कोई और ही था। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ चियान अब ठीक हो चुका था। तब जियो के डैड कहते हैं कि उसे यहाँ रहते हुए काफी समय हो गया है, इसलिए अब उसे मेओ प्लैनेट वापस जाना होगा। जियो ने रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रोकते और चियान को कैटगर्ल का ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन रास्ते में जियो को फिर से उसी आदमी की स्मेल आती है जो कैट्स को किडनैप करता था, तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। लेकिन सीढ़ी चढ़ते हुए वो आदमी जियो को लात मारता है, जिससे वो एक पाइप से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। तो चियान तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। वहीं जू और किन भी आए थे, जो उसी किडनैपर के बारे में बात कर रहे थे कि उस आदमी के साथ जरूर कोई मिला हुआ है। वहीं बाहर ये सब डॉक्टर लाउ सुन रहा था, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, यानी वो जरूर कैट की मिसिंग के बारे में कुछ जानता है। एंड दोस्तों, यहीं पर इस कहानी का एंड होता है। और अगला एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।